यार मिस मालिनी एक्चुअली मेरी दोस्त है काफ़ी सालों से, बहुत अजीज़ दोस्त है मेरी. सो आई विश हर ऑल द बेस्ट. इट्स बीन ग्रेट टू सी हर ग्रो ओवर द इयर्स. और मैं जुड़ा हुआ उनके साथ, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं पहले से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है. काला कांड एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है. मैं बहुत खुश हूँ प्रोड्यूसर्स को लेकर कि ऐसी फिल्म पर उन्होंने पैसा लगाया और मुझे सैफ के साथ काम करने को मिला. और मुझे लगता है सैफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की लाइफ की है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म एंड आई एम ग्लैड द फिल्म इज़ बीइंग लाइक्ड बाय एन ऑडियंस. अभी मैं जंगली पे काम कर रहा हूँ विद्युत जामवाल के साथ, और फिर एक फिल्म है राधिका आप्टे सिद्धांत कपूर के साथ बॉम्बेरिया करके, जो मुझे लगता है मार्च में आएगी. और फिर मैंने एक छोटी सी फिल्म की है संजय मिश्रा रसिका दुग्गल के साथ रीइंकार्नेशन करके, तो वो भी आएगी. ये सर एक्शन एक्शन फिल्म है विद्युत जामवाल, तो जाहिर सी बात है कि एक्शन है उसमें. चक रसल जो कि जिम कैरी के डायरेक्टर थे द मास्क फिल्म पे, उन्होंने डायरेक्ट की है फिल्म. तो उम्मीद तो है कि बहुत बढ़िया फिल्म होगी. और इंडिया में पहले बार मुझे लगता है कोई हॉलीवुड का नामचीन डायरेक्टर हिंदी फिल्म बना रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसका एक भाग हूँ. और मज़ा आ रहा है शूट कर, बहुत ही अच्छा लगता है. हम लोग काम इसी के लिए करते हैं, एक्टर्स अप्रिसिएशन के लिए, तो जब वो मिलता है बड़ा अच्छा लगता है. तो थैंक यू. मिस मालिनी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई थिंक राइटिंग अ बुक, माई फादर वॉज एन ऑथर एंड अ प्ले राइट प्रताप शर्मा, सो आई नो राइटिंग अ बुक टेक्स अ लॉट. एंड आई हैव बीन अप्रोच्ड अ फ्यू टाइम्स टू राइट अ बुक बिकॉज ऑफ माई शो एंड द पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म दैट आई हैव, बट आई हैवन हैड द करेज टू जम्प इन टू इट. सो आई हैव ह्यूज एडमिरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू मालिनी. अभी मैंने एक पिक्चर भी किया है बहुत दिन के बाद, ये रजत कपूर रणवीर शौरी मैं कल्कि साइरस साहूकार मानसी मुल्तानी श्रुति सेठ सबके साथ. इट्स अ डार्क डार्क कॉमेडी बट आई कैन से मच बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. थैंक यू. थैंक यू. मैं मिस मालिनी जी को वैसे तो बातें इतनी कि बहुत कर कहना चाहूँगा, लेकिन आई जो उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की और द राइट वर्ड शी रेवोल्यूशनाइज्ड व्हाट हाउ डू यू प्रेजेंट पीपल, हाउ डू यू टॉक अबाउट देम, वो ब्लॉगिंग हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर हो. मिस मालिनी का अपना अंदाज रहा है जो मुझे बहुत पसंद आया. और बल्कि मैं बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं हाउ यू हैव टू बी रेलिवेंट एट ऑल टाइम्स, और अगर अनु मलिक आज 2015 में मोमो के धागे देकर तीन राष्ट्रीय पुरस्कार लेता है, तो यू हैव टू री इन्वेंट. मिस मालिनी इज़ वन पर्सन हु कीप्स ऑन री इन्वेंटिंग हरसेल्फ ऑल द टाइम. और एक नया एक पन्ना खुला है जर्नलिज्म का, स्टाइल का, जो मैं आई थिंक आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट मिस मालिनी. और जो उनकी किताब रिलीज हो रही है, होने जा रही है विद हार्पर एंड कॉलिंस, आई थिंक इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मिस मालिनी. और बड़े बड़े स्टार्स ने उनके बारे में बोला है, मुझे कहा कि तुम 2 बजे आ जाना, मैं 5 मिनट पहले 2 बजे से आ गया बिकॉज आई रिस्पेक्ट हर वेरी मच एंड आई वांट टू विश हर ऑल द बेस्ट. The book is a fabulous read. It's amazingly well written and I would highly recommend it to a lot of people actually, because it'll give you an insight ki Malini Agarwal is such a positive person and you know the kind of joy she brings into her own work and the kind of happiness she brings to other people's lives as well. It comes out in the book. So ye book zarur padhiye aap and it's fabulous and we're all very excited to be here. Thank you so much. मिस मालिनी की जो सफ़र हुआ है, जिस तरह से उन्होंने शुरू किया और आज इस कामयाबी पर पहुंची एज एन सोलो एंटरप्रेन्योर, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल कि यू नो इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, यू कैन मेक अ करियर एंड यू कैन कार्व ए नीश फॉर योरसेल्फ. Big, big, big congratulations to Miss Malini. Everyone in the fashion world will agree that Miss Malini's word holds and goes a long way when it comes to fashion. So I'm really happy for her and for all that she's achieved. And big day for her, so big congratulations. So I have Parmanu releasing and then I'm working on Happy Bhagyagi too. So far that's what I've got lined up and hoping to find something else along the way.
very good experience. First time I'm working with John as well, and it was really good. It's a great script, and we had a great director as well, Abhishek Sharma, who had a very good vision for the film. So I think overall it's looking good. Thank you. मैं एक्चुअली एक बात बोलना चाहती हूँ कि मिस मालिनी एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक वन वेरी हार्ड वर्किंग यंग गर्ल हार्ड वर्किंग कैन टर्न इनटू वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्लॉगर्स. और ये एक एग्जाम्पल है हर लड़की के लिए कि हर कोई एक सेलिब्रिटी बन सकती है, कोई बन सकता है, और ऑल यू हैव टू डू इज पुट योर माइंड टू इट. आजकल दुनिया बदल चुकी है कि कोई डिजिटल मीडिया से सेलिब्रिटी और सुपरस्टार हो सकता है, और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. आई लव टाइगर, आई जस्ट लव हिम. उसमें कुछ ही है बात. आई मीन आई लव हिम, आई लाइक वरुण, आई लव आलिया भट्ट, आई थिंक शी इज गॉर्जियस. सो मेनी यंग गर्ल्स, सो मेनी गाइज, एंड दैट्स व्हाट आई लव कि आजकल इतना सारा टैलेंट है. आई थिंक उस वो ज़माने में there was only maybe 5-6 superstars. Now even bloggers are superstars. Yeah. Great. Okay, thank you. मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ एन इंस्पिरेशन एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज जैसे उनका बुक है शी इज़ ब्लॉग द वे टू बॉलीवुड. बॉलीवुड ऐसी जगह है जो एक नॉर्मल इंसान क्रैक नहीं कर पाता है. बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत साल लगते हैं, बट शी इज़ डन इट सो प्योरली एंड सो सक्सेसफुली दैट आई रियली लुक अप टू हर एंड से कि भाई अगर किसी को ये करना हो तो मिस मालिनी को फॉलो करो, शी इज़ द बेस्ट. सो आई पर्सनली फॉलो हर एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, एवरीवेयर. सो आई एम अ बिग फैन. यस, सोनू के चीटों की स्वीटी 9th of February, मैं बहुत अलग रोल प्ले कर रही हूँ. मैं बिल्कुल मीन नहीं हूँ इस फिल्म में, और अब मेरे पास दो लड़के हैं रोमांस करने के लिए. सो प्लीज़ कम एंड वॉच मी वैलेंटाइंस वीक. यार यही कहना चाहेंगे, मिस मालिनी की जो बुक है बहुत कमाल है, और ये एक जो जर्नी है आई थिंक इट्स क्वाइट एन इंस्पिरेशन. और ये जो बुक लिखी है आई थिंक बहुत से लोग जब पढ़ेंगे तो आई थिंक वो भी बहुत इंस्पायर होंगे. और अगर मालिनी का बड़ा दिन हो सो हम लोग वहाँ पे ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो मालिनी इज़ लाइक फैमिली, और आई थिंक पूरा बॉलीवुड जो है वो मालिनी को इतना प्यार करता है. सो आई थिंक हाफ ऑफ अस आर हियर. मेरा सिंगल रिलीज़ हो रहा है 17th को. सो बस एक गाना गाया है, यूलिया वंतूर है साथ में, सचिन गुप्ता ने म्यूज़िक दिया है. सो यार लुकिंग फॉरवर्ड दैट, आई होप लोगों को पसंद आए. वो यार बहुत बढ़िया, आई थिंक यूलिया बहुत कमाल की सिंगर है, एंड हैड अ वंडरफुल टाइम विद हर. सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, आई होप पीपल लाइक दैट. मैं मालिनी को विश करना चाहता हूँ, पहली बात तो कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. बहुत ही कूल है कि शी हैज़ अ बुक रिटन अबाउट हरसेल्फ, एंड आई थिंक बहुत ही बीफिटिंग है, बिकॉज यू नो शी रियली डिजर्व्स टू काइंड ऑफ बी आउट देयर एंड पुट हरसेल्फ आउट, बिकॉज शी इज़ रियली मेड इट वेरी कूल एंड वेरी बिग विद ब्लॉगिंग. और हम सारे चाहते हैं कहीं ना कहीं टू बी इंटरव्यूड बाय मालिनी हरसेल्फ. सो आई थिंक इट्स रियली कूल. यार मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता, बट आज फिनाले आई बिलीव, एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू सुपरस्टार, यू आर द नेक्स्ट सुपरस्टार. स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर रहे हो कि नहीं? हेलो, हाँ जी. एंड क्या कह रहा था मैं, बिग बॉस. या बिग बॉस फॉलो नहीं करता, बट आई नो टुडे इज द फिनाले. आई नो टुडे इन द फिनाले देयर इज हीना खान, देयर इज मुनीश, एंड देयर इज विकास गुप्ता एंड शिल्पा. या सो आई डोंट नो हु इज गोना विन, आई डोंट नो हाउ दिस गेम रियली वर्क्स, बट आई विश ऑल ऑफ देम द बेस्ट. थैंक यू. She's actually like done something like this, and I'm really eager to read it. Actually, I want to see what all she's written. So Kala Kandhi is already out, and everybody seems to be loving it. So I'm very happy about that. And then I think Leena Yadav's next will come out around May, June, if I'm not mistaken, summertime. So let's see. मुझे लगता है जब भी लड़कियाँ आगे जाती हैं मुझे बहुत खुशी महसूस होती है. और मिस मालिनी जो उन्होंने पोर्टल शुरू किया, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री, एंड शी रियली मेड अ मार्क फॉर हर सेल्फ. और अब उन्होंने एक नया बुक भी निकाला है, तो आई वांटेड टू जस्ट विश हर
she truly is a boss lady, and she's wonderful at whatever she does. And yeah, I just came to say hi and came to wish her. बहुत ही खुश हूँ मैं मिस मालिनी के लिए एंड फ्रॉम अ ब्लॉगर टू एक्चुअली बिकम अ ब्रांड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड आई थिंक उनके बुक में उनके जर्नी के बारे में उन्होंने बताया है सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड आई एम एक्साइटेड टू रीड इट नमस्कार दोस्तों आप सबको हैप्पी न्यू ईयर आवाज की शुभकामनाएं आप सबको भगवान आपको सुखी रखे आपके दर्शकों को भी सुखी रखे मिस मालिनी की जो सक्सेस स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहां से ब्लॉग से उन्होंने कैसे अपना स्थान बनाया हमारे फिल्म इंडस्ट्री में और वो सक्सेस स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है और ये तब से मैं इनको जानता हूँ जब से इन्होंने नई नई ये ब्लॉग लिखने शुरू किए थे फिल्मों के बारे में लोगों के बारे में और आज इनके पुस्तक के विमोचन पर आके मुझे बड़ी खुशी है और इसका ये भी एक ये भी इस बात का उदाहरण है कि अगर आप मेहनत करें और आप ओरिजिनल हों तो आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं ऑल द बेस्ट आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार ब्लॉगिंग से स्टार्ट करके टुडे शी इज बिकम लाइक अ ब्रांड एज यू कैन सी बहुत पॉपुलर है और उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर शी इज अनदर अग्रवाल सो वन अग्रवाल इज सपोर्टिंग अनदर अग्रवाल बट आई एम जस्ट जोकिंग बट आई एम ऑनेस्टली वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज शी इज रीच्ड फ्रॉम नोवेयर टू अ रियली रियली गुड प्लेस तो अब मैं मेरी साउथ फिल्म पे काम कर रही हूँ और इसके बाद में आई स्टार्ट शूटिंग फॉर वन सरप्राइज इन मार्च एंड वन फिल्म विद प्रेरणा वेरी सून सो मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे ये महसूस हो रहा है कि पीपल अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव जर्नलिज्म हो सकता है कि लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार से मिलना चाहिए बात करना चाहिए और ये जो मेरे हस्बैंड है ये मेरे इस कंपनी के भी हार्ट है और सीईओ मेरे कंपनी के और मेरे दिल के भी सीईओ है और मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में इट्स सो डिफ़िकल्ट इतना सारा वॉर है इतनी सैडनेस है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हैप्पी चीज़ें बॉलीवुड की कितनी शानदार चीज़ें के बारे में बात करें और यहाँ पर जितने लोग आए कितने प्यार से आए कितने अच्छे से मिले मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे पास वो एनवायरनमेंट बन चुका है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मुझे लगता है कि आजकल जर्नलिज्म ये नया ट्विस्ट ले सकता है कि सब चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और आपके ख्याल आप मेरे हस्बैंड बंगाली में बोलते हैं या इंग्लिश में इंग्लिश वेल आई थिंक मालिनी हैज ऑलवेज शोन दैट टू बी पॉजिटिव एंड टू बी ट्रूली एंगेजिंग are not necessarily opposite kind of skills. So I think the beauty of Ms. Malini and Malini as a person is that you can be positive, you can write positive things and still be interesting and still get people to want to read and hear about you. So I'm very proud of her. And this book, I think, really talks about all the kinds of things that got her here. You never know, मेरे हस्बैंड एक्चुअली बहुत ही अच्छे एक्टर है किसी को नहीं मालूम है मुझे लगता है कि कल कोई डायरेक्टर इनको डिस्कवर करेगा क्योंकि बहुत ही सबको हंसाते हैं बहुत ही क्रिएटिव है मगर अभी बिहाइंड द सीन्स है मगर हु नोस इन 2018 Well, she's being very kind, but I think if we've learned anything, it's that what is a video or a movie or a film is changing. So even short films, even digital short films that we create today, I think are something that takes a lot of time and thought and attention. So we're very excited to keep doing that kind of work. मैं उनको धीरे-धीरे हिंदी सिखा रही हूँ, तो हो जाएगा। I hope someday. तो मुझे ये कहानी बतानी थी कि अगर कोई लड़की आती है अलाहाबाद से उनके पास कोई कनेक्शन नहीं है और मुंबई आती है और वहाँ पर अगर बहुत हार्ड वर्क करती है उनके पास पैशन है तो उनकी सारी ड्रीम्स सच हो सकती हैं और मैं ये कहानी बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर आपके पास गॉडफादर नहीं हो मनी नहीं हो तो नहीं हो सकता मैं लिविंग प्रूफ हूँ कि ये हो सकता है अगर आपके पास दिल में चाहत है आप बिलीव करते हो आप बहुत हार्ड वर्क कर सकते हो
और ये कहानी दो भाग में लिखी है, ये कहानी है मेरी और दूसरे भाग में कि काफ़ी लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो मैंने उसमें बताया कि आप कैसे बन सकते हो डिजिटल सुपरस्टार। सारे मेरे से मेरे ट्रिप टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने उसमें बताए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप आज मुझे पता है तो आपको भी पता होना चाहिए, सब साथ में ऊँचे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।